लवलीज, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर गुड एंड डूइंग वेल। सो गाइस, आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ टॉप 5 टोनर जो कि ऑयली प्लस एक्ने प्रोन स्किन के लिए काफी अच्छा काम करेंगे। सो यस, मेरा जो स्किन का टाइप है दैट इज वेरी मच ऑयली एंड एक्ने प्रोन, सो सेंसिटिव भी है जिसके कारण कि एक्ने आते जाते रहते हैं। मैंने बहुत सारे टोनर यूज किए हैं अभी तक, उनमें से मुझे जो बेस्ट 5 लगे हैं जो लिटरली अच्छा काम करते हैं ऑयली एक्ने प्रोन स्किन के लिए, वही इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ आज शेयर कर रही हूँ। सो यस, किसी भी तरह का कोई भी स्पॉन्सर वीडियो नहीं है कि हम यहाँ पे किसी ब्रांड को प्रमोट कर रहे हैं। जो ऑनेस्टली मुझे लगे हैं कि मेरी स्किन पे अच्छा काम कर रहे हैं, आप लोगों के लिए भी हेल्पफुल रहेंगे, वो ही इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। सो या मेक श्योर कि अगर वीडियो आपको अच्छा लगे, आप लोगों के लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहे, तो लाइक जरूर से कीजिएगा। एंड मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल, इट मीन्स अ लॉट टू मी गाइस। सो यस, पहले मैं आपको बता देती हूँ कि टोनर क्या होता है, क्यों यूज करना होता है। सो बेसिकली टोनर आपको अपने फेस वॉश के बाद यूज करना होता है। सो इसके 3 कारण है टोनर यूज करने के। जो फर्स्ट वन है दैट इज कि आपकी फेस को डबल क्लेंजिंग करता है। मतलब जब भी आप अपना फेस वॉश करते हो, काफी बार होता है कि जो भी हमारे पोर्स के अंदर की गंदगी है या डर्ट है, इंप्योरिटीज है, वो अच्छे से क्लियर नहीं हो पाती है। तो टोनर क्या करता है, जब आप उसको यूज करोगे तो वो अंदर तक जाके पेनिट्रेट करता है, जिससे कि आपकी स्किन अच्छे से क्लियर हो जाती है। तो जो भी आपके पोर्स के अंदर कोई भी पार्टिकल रह गया हो, गंदगी रह चुकी हो, वो टोनर के थ्रू डबल क्लेंज होकर निकल जाती है। सो टोनर यूज करने का सबसे अच्छा फायदा है कि आपकी स्किन की डबल क्लेंजिंग हो गई। सेकेंड वन इज़ कि आपके पोर्स को मिनिमाइज करता है। काफ़ी सारे मुझे कमेंट्स आते हैं कि दी हमारे ओपन पोर्स की प्रॉब्लम है, क्या हम करें हमारी स्किन के लिए। सो सबको मैं यही रिप्लाई करती हूँ कि प्लीज़ अपने स्किन केयर रूटीन में टोनर यूज़ करना स्टार्ट कर दो। टोनर क्या करता है, आपकी जब भी पोर्स है उसको क्लियर करता है। तो जैसे जैसे आपके पोर्स क्लियर होंगे ना, वो पोर्स श्रिंक होना स्टार्ट हो जाता है, जिससे कि आपके पोर्स ना आपको धीरे धीरे मिनिमाइज होंगे। मिनिमाइज होने के बाद आपको एकदम स्मूथ स्किन आपकी मिलेगी। सो जैसे ही आप टोनर यूज़ करोगे, 3 से 4 महीने में आपकी स्किन के टेक्सचर में, जो कि पोर्स के कारण अजीब सा टेक्सचर हुआ है आपकी स्किन पे, उस पर आपको फर्क नजर आएगा। एंड तीसरा कारण है टोनर यूज करने का, आपकी स्किन के पीएच लेवल को ये मेंटेन करता है। मतलब काफी बार होता है कि जब हम फेस वॉश करते हैं तो हमारी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई हो जाती है, तो टोनर क्या करता है, हमारी स्किन का जो पीएच लेवल है उसको मेंटेन करके रखता है, आपकी स्किन को हाइड्रेट रखता है। तो जब भी आप देखोगे हम कोई भी सीरम यूज करते हैं, हाइलुरोनिक एसिड लगा लो या कुछ भी लगा लो, तो आपको अपनी स्किन को थोड़ा सा वेट रखना है टोनर के थ्रू, उसके बाद ही आप कोई भी सीरम लगाओगे वो पेनिट्रेट करेगा अच्छे से। तो स्किन का पीएच लेवल मेंटेन करके रखता है, पोर्स को क्लियर रखता है और पोर्स को मिनिमाइज करता है। ये सबसे बड़े 3 कारण होते हैं टोनर यूज करने के। सो यस, अभी बहुत सारी ज्ञान की बातें हो गई, अभी हम देख लेते हैं कि कौन से टोनर हमारी स्किन के लिए बेस्ट रहेंगे। सो जो फर्स्ट वन है दैट वन इज फ्रॉम ब्रांड बायोडर्मा एंड दिस वन इज वन ऑफ माई फेवरेट। मतलब लास्ट आई थिंक 1.5 साल से मैं यही टोनर यूज कर रही हूँ और मुझे इतना पसंद आया। मतलब पसंद आने का कारण मैं अगर आपको बताऊँ ना, तो ये स्किन को बहुत अच्छे से नरिश करता है। मतलब इसको लगाने के बाद कभी कभी ना मैं मॉइस्चराइजर लगाना ही स्किप कर देती हूँ। जैसे मैं टोनर लगाती हूँ और उसको वेट होने के लिए छोड़ती हूँ, उसके बाद मुझे फील ही नहीं होता है कि मुझे मॉइस्चराइज करना है अपनी स्किन को। इतना अच्छे से ये मतलब बहुत अच्छे से हाइड्रेट कर देता है स्किन को। दिस इज एल्कोहल फ्री टोनर। मतलब ऑलमोस्ट सारे जो टोनर है मैं आपको एल्कोहल फ्री ही सजेस्ट करूंगी। बहुत सारे टोनर्स में क्या होता है कि एल्कोहल होता है, जो कि आपकी स्किन को और ज़्यादा ड्राई कर देता है। और एल्कोहल, यार वी ऑल नो कि हमारी स्किन के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। इनफैक्ट एक्ने प्रोन एंड सेंसिटिव स्किन के लिए तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। सो इसके अंदर भी एल्कोहल नहीं है, पीएच लेवल बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखता है। और जैसे मैंने आपको बताया था कि टोनर के क्या फायदे हैं, सारे फायदे आपको इससे मिलेंगे। हमारा जो स्किन टाइप है ना, उसके लिए सबसे बेस्ट टोनर है ये। एंड जो नेक्स्ट टोनर है गाइस, दैट वन इज फ्रॉम ब्रांड प्लम और ये है ग्रीन टी एल्कोहल फ्री टोनर। ये सल्फेट नहीं है, पैराबेन नहीं है, मतलब किसी भी तरह के हार्श केमिकल इसके अंदर नहीं है। और सबसे बड़ी बात, इसमें ग्रीन टी है। ग्रीन टी भी ऑल नो कि बहुत अच्छे लेवल में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं ग्रीन टी में। सो ग्रीन टी ऑयली एक्ने प्रोन स्किन के लिए तो अच्छा काम करते ही है, साथ में एंटीऑक्सीडेंट होने के कारण आपकी स्किन के बैरियर को भी रिपेयर करता है। सो अगर आप नॉर्मल प्राइस में लेना चाहते हो 300-350 के अराउंड, तो 200 ml इसकी क्वांटिटी आपको मिलेगी, बट वर्क बहुत अच्छा करता है, हाइड्रेट भी करता है और ऑयली एक्ने प्रोन स्किन के लिए बहुत अच्छा काम करेगा। तो प्लम का एल्कोहल फ्री ग्रीन टी टोनर आप जरूर से ट्राई आउट कर सकते हो। नेक्स्ट जो टोनर है गाइस, दैट वन इज फ्रॉम ब्रांड मामा अर्थ एंड ये है ग्रीन टी फेस टोनर। सो इसके अंदर कॉलेजन भी है, ग्रीन टी है, तो ग्रीन टी तो ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि क्यों अच्छा रहता है हमारी स्किन के लिए। एंड कॉलेजन वी ऑल नो कि यार मतलब स्किन की हाइड्रेशन के लिए काम आता है। आप देखोगे जब भी आपकी स्किन से कॉलेजन कम होना स्टार्ट होगा, तो आपकी स्किन ड्राई, डल लगेगी, रिंकल्स एंड फाइन
हेयरलाइंस की प्रॉब्लम आना स्टार्ट होगी, बट इसके अंदर कॉलेजन भी है जो आपकी स्किन के पीएच लेवल को अच्छे से मेंटेन करेगा और हाइड्रेट करेगा स्किन को. सो टोनर का जो काम होता है कि आपके पोर्स को मिनिमाइज करना, पोर्स को क्लियर करना, वो तो करता ही है, बट कॉलेजन होने के साथ साथ रिंकल्स एंड फाइन लाइंस की प्रॉब्लम से भी फाइट करेगा. सो ये भी काफ़ी अच्छा टोनर है, बहुत लाइट कंसिस्टेंसी के साथ है, एल्कोहल फ्री है, सल्फेट पैराबेन मतलब हार्म केमिकल नहीं है इसके अंदर भी. तो ये भी आप ट्राई आउट कर सकते हो. प्राइस के अकॉर्डिंग भी आई थिंक काफ़ी ज़्यादा कम है, 399 है और 100 ml आपको इसकी क्वांटिटी मिलेगी. सो या नेक्स्ट जो टोनर है गाइस, दिस वन इज कामा आयुर्वेदा. मतलब अगर आप टोनर की बात करो और कामा आयुर्वेदा रोज वाटर को आप कैसे भूल सकते हो, बट एक ड्रॉबैक है कि ये थोड़ा सा कॉस्टली है. हाई एंड ब्रांड है, 100% नेचुरल रोज वाटर है इसके अंदर. सो थोड़ा सा ये कॉस्टली है, बट एक बार अगर आपने इसको यूज करना स्टार्ट कर दिया ना, तो मतलब आप आधी हो जाओगे, मतलब एडिक्शन हो जाएगा आपको इसको यूज करने का, क्योंकि इसकी जो फ्रेग्रेंस है ना इतनी ज्यादा प्यारी है, एकदम आपको लगेगा कि यार आप रोज गार्डन में खड़े हो, और एकदम काम कर देता है, मतलब आपकी स्ट्रेस लेवल को कम कर देता है, इतना प्यारा इसका फॉर्मूला है. सो रोज वाटर वी ऑल नो की स्किन के लिए तो अच्छा होता ही है. इनफैक्ट आप इसको किसी भी अलग जो DIY यूज कर रहे हो, बना रहे हो घर पे, स्किन पे बर्निंग सेंसेशन हो रहा है या बाहर धूप में कहीं जाके आए हो, तो नॉर्मल आप इसको स्प्रे कर लो, आपकी स्किन एकदम काम हो जाएगी. तो रोज वाटर गर्मियों में वैसे भी अपनी स्किन के लिए अच्छा रहता है, और एज ए टोनर आप इसको यूज करोगे तो इसके डबल फायदे हो जाएंगे. कामा आयुर्वेदा के रोज वाटर के लिए मुझे बहुत ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, बट थोड़ा सा इन्वेस्ट अगर आप कर सकते हो तो एक बार जरूर से ट्राई आउट कीजिएगा. और मुझे ऐसा लगता है कि नाइट टाइम में स्किन पे रोज वाटर ही अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि पूरी रात आपकी स्किन बहुत अच्छे से हील करती है, और रोज वाटर हमारी स्किन को हील करने में काफी ज्यादा यूजफुल होता है. सो या दिस वन इज फोर्थ फेवरेट टोनर. एंड जो लास्ट टोनर है गाइज, वो है ब्रांड जस्ट हर्ब से, एंड दिस इज जस्ट हर्ब सैंडलवुड फेशियल टोनर. सो इसके अंदर भी एल्कोहल नहीं है, आर्टिफिशियल कोई भी फ्रेग्रेंस नहीं है, कलर नहीं है. जैसे आप इसको स्प्रे करोगे ना, आपको एकदम लगेगा कि चंदन की खुशबू आ रही है, और ये क्लेम कर रहा है कि इसमें आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस नहीं डाली है, कलर नहीं डाला है. सो दिस इज 100% सैंडलवुड टोनर, एंड चंदन यार स्किन के लिए अच्छा होता है ये. सो बेसिकली मैं इसको कैसे यूज करती हूँ, जब भी कोई फेस पैक लगाती हूँ उसके बाद में इसको स्प्रे कर देती हूँ. सो ये बहुत अच्छे से सॉकिन हो जाता है, पेनिट्रेट हो जाता है स्किन में, और जो फेस पैक आपने लगाया है उसका डबल बेनिफिट आपको मिलता है. सो एज अ टोनर भी आप इसको अप्लाई कर सकते हो, और अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है, मतलब आप कोई भी तामझाम में नहीं पड़ना चाहते हो, आपको कोई भी चीज सूट नहीं करती है, ग्रीन टी मतलब कुछ भी आपके फेस पे सूट नहीं करता है, सो आप इस तरह के जो माइल्ड टोनर्स होते हैं, रोज वाटर वाले या सैंडलवुड वाले, वो ट्राई कर सकते हो. यस, अगर आपकी एक्सेस में एक्ने प्रोन स्किन है तो आप इन दोनों में से ट्राई कीजिए. एंड ये तो यार मैं क्या बोलूँ, मतलब इसके लिए तो कोई वर्ड्स ही नहीं है, ये इतना अच्छा टोनर है, एक बार आप ट्राई करोगे ना तो आपको पता चलेगा. सो यस गाइस, ये थे कुछ 5 टोनर जो अभी तक मुझे सबसे अच्छे लगे हैं ऑयली एक्ने प्रोन स्किन के लिए. एंड ट्रस्ट मी, अपने स्किन केयर रूटीन में टोनर यूज करना जरूर से स्टार्ट करो, मॉर्निंग में एंड नाइट टाइम में, 2 टाइम यूज कर लो सफिशियंट है. मतलब बार बार फेस वॉश करते हो तब आपको टोनर जरूरत नहीं है लगाने की, बट एटलीस्ट 2 टाइम अपने स्किन केयर रूटीन में जरूर से टोनर यूज करना स्टार्ट करो. गाइस जितने भी प्रोडक्ट्स हैं लिंक्स मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, एक बार जाके चेकआउट कर लीजिएगा. एंड इसके अलावा भी कोई भी सवाल जवाब है, मन में शंका है, कुछ भी है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता दीजिए, मैं आपको रिप्लाई जरूर से करूंगी. सो या थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, मिलते हैं अगेन एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय.